पहाड़ी मोरवा इलाके में आज माहौल बिल्कुल अलग है। भगवान शिव की जय जयकार हो रही है, प्रसाद बांटा जा रहा है। मोरवा इलाके में निर्माणाधीन दुकान की नींव खुदाई करते समय जमीन के अंदर शिवलिंग निकलने की बात सुनकर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोगों ने शिवलिंग को उसी जगह स्थापित कर पूजन अर्चन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दुकान की नींव खुदाई करते समय अंदर से 3 फुट शिवलिंग के आकार का एक पत्थर दिखा, जिसे शिव महिमा समझकर लोग शिवलिंग की तरह पूजन अर्चन शुरू कर दिया है। देखते ही देखते देर रात सैकड़ों की संख्या में लोग शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचने लगे। यह सिलसिला शाम करीब 2 बजे तक चलता रहा। क्षेत्र में शिवलिंग प्रकट होने की खबर आग की तरह फैल गई। सुबह सैकड़ों लोग फल फूल माला के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचने लगे। यह खबर जैसे ही मुख्यालय पहुंची तो प्रशासन का फरमान जारी हो गया। दुकान मालिक प्रमोद ने बताया, स्थानीय पटवारी ने फोन कर सूचना दी है कि डीएम साहब का आदेश है कि तत्काल शिवलिंग को वहां से हटा दे, नहीं तो भ्रम फैलाने के मामले में केस दर्ज कर दिया जाएगा। फिर क्या कार्रवाई के डर से दुकानदार ने आनन फानन में शिवलिंग के आकार वाले पत्थर को हटाकर पास ही के मंदिर में स्थापित कर दिया है। आया लड़का, फोन किया, ये चाची आप आइए एक बार देखिए क्या चीज का रूप है। मैं आई देखी तो हमारे की बेटा ये शिवलिंग लग रहा है मेरे को, तो बोला कि सही में चाची उम्मा की, हाँ बेटा मेरे को शिवलिंग लग रहा है। तो फिर बोला कि अच्छा, फिर घर से सब कोई को बुलाए करे कि इनको रात को पूरा वो चीज करे, पूजा उजा किए। पूजा उजा करने के बाद यहाँ काफी देर तक, तो अब यहाँ पे आप दुकान बनाएंगे कि यहाँ पे मंदिर बनवाएंगे? अब ये प्रमोद की इच्छा है। अच्छा, अब हम क्या बताएंगे ये बताइए। हाँ, सब भाई मिल के ही बैठ के ही आपस में बात करेंगे, जब ही लोग कर सकते हैं। ये निकले कब हैं? ये निकले शाम को ना, अब मेरे को इसमें नहीं जाना।